नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, 2020 का पहला ही दिन बहुत धमाकेदार होने वाला है। उतना ही धमाकेदार, उतना ही जोरदार ये रहा भी। मैंने देखी वेब सीरीज द चार्जशीट, इनोसेंट और गिल्टी। ये वेब सीरीज है G5 की, और इसे देखने के बाद जो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी वो ये कि वाह, वेब सीरीज हो तो ऐसी, नए साल की शानदार शुरुआत हो तो ऐसी। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब मैं किसी भी सीरीज़ का रिव्यू करता हूँ तो उसकी जो सबसे खास बात होती है उसका जिक्र मैं सबसे पहले करता हूँ। और द चार्जशीट की जो सबसे खास बात है वो है उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन। इस सीरीज में आपको कहीं नहीं बताया गया कि ये कहानी कब की है, कोई तारीख नहीं दिखाई जाती, लेकिन आप देखते हैं कि एक पात्र है जो कि 2 रुपये का नोट दुकानदार को देता है। दुकानदार फिर उसे जो है 4 मीनार सिगरेट का पैकेट देता है। या कि जो मुख्य किरदार है सिराज मलिक, वो बजाज चेतक स्कूटर चला रहे होते हैं। अब तुरंत ही समझ जाते हैं कि भाई ये कहानी कम से कम 30 साल पुरानी तो है ही। ये कमाल है प्रोडक्शन डिज़ाइन का, और इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए धनंजय मंडल और अजीत दांडेकर को। द चार्जशीट के 8 एपिसोड हैं, 30 से लेकर के 42 मिनट तक के, और अशोक पंडित एवं रोशन कनल इसके प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर हैं शशांत शाह। कहानी की शुरुआत होती है एक हत्याकांड से। सिराज मलिक, जो कि टेबल टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जिन्होंने जीते हैं, उनकी हत्या स्टेडियम के सामने ही दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी जाती है। सिराज मलिक की भूमिका में आप यहाँ शिव पंडित को देखते हैं। तो सिराज मलिक की हत्या के बाद जो सनसनी होनी चाहिए, जो चर्चाएँ होनी चाहिए, वो होती हैं, और फिर जांच सौंप दी जाती है CBI को। CBI अधिकारी विदुर मलिक की भूमिका में आप यहाँ सिकंदर खेर को देखते हैं। तो CBI आती है, अपनी जांच वो आगे बढ़ाती है, और उस जांच की आज पहुंच जाती है सिराज की पत्नी अंतरा और उनके बड़े भाई समान मित्र हैं रणवीर प्रताप सिंह उन तक। अंतरा की भूमिका में आप यहाँ देखते हैं त्रिधा चौधरी को, और रणवीर प्रताप सिंह की भूमिका में है अरुणोदय सिंह। रणवीर प्रताप सिंह इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं, वो नेता हैं और एक रियासत के राजा भी हैं। तो राजा रणवीर प्रताप सिंह का नाम जब हत्याकांड से जुड़ता है और उन पर आरोप लगते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है, तो मामला और भी संगीन हो जाता है, मामला और भी बड़ा हो जाता है। CBI अपनी जांच पूरी करती है, चार्जशीट तैयार करती है और मुकदमा अदालत में चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि दो बड़े वकीलों की एंट्री होती है। एक है लक्ष्मण चोटरानी, जिनकी भूमिका सतीश कौशिक ने निभाई है। सतीश कौशिक का गेटअप देख करके, या जो उनका नाम है लक्ष्मण चोटरानी, आप आसानी से अंदाजा कर सकते हैं कि इशारा किस ओर किया गया है। यहाँ इशारा होता है राम जेठ मलानी की तरफ। दूसरी जो वकील है वो है अश्विनी कलसेकर, और दोनों वकीलों की जिरह शुरू होती है। इस हत्याकांड की एक एक करके परतें खुलने लगती हैं। हम देखते हैं दोस्ती, प्यार, दगाबाजी, साजिश, सियासत और अपराध की कई घटनाएं एक एक करके हमारे सामने आती हैं। कुछ घटनाएं जो कि हमें पता है, कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्शन का कमाल आपको देखने को मिलता है। जब भी कोई नई घटना सामने आती है तो फिर डायरेक्टर आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और उस घटना का जो भी लॉजिक है या जो भी उसका संदर्भ है वो आपको बताते हैं। कहानी आज और पास्ट दोनों में चलती रहती है, और इस तरह से चलती है कि आप आसानी से कहानी को समझ सकते हैं। चौंकाने वाली घटनाएं आपको शॉकिंग नहीं लगती हैं। दूसरी बात यह है कि इस सीरीज में आपको इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम ड्रामा दोनों देखने को मिलता है। दोनों पर बराबर ही तवज्जो दी गई है। फिर जब हम देखते हैं कि कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसके बाद क्या होता है, ये गिल्टी पाए जाते हैं या इनोसेंट पाए जाते हैं, इन पर क्या आरोप तय होते हैं, ये सब तो आप इस सीरीज में देखेंगे। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कहानी जितनी ही कसी हुई है उतना ही बढ़िया यहाँ कलाकारों ने अभिनय का प्रदर्शन किया है। चाहे वो सिराज मलिक की भूमिका में शिव पंडित हों, या फिर सिकंदर खेर हों, या फिर दूसरे अन्य कलाकार। आप देखते हैं कि रणवीर प्रताप सिंह की पत्नी की भूमिका में है ऋषिता भट्ट, और जो अंतरा हैं उनकी मम्मी की भूमिका में है किशोरी शाहने। सारे पात्रों ने अपना अभिनय बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। कहानी बहुत ही कसी हुई है, एडिटिंग भी बहुत शानदार है, कहीं कोई झोलझाल नहीं दिखता। कहा इस सीरीज में म्यूजिक बहुत खास है, म्यूजिक है सलीम सुलेमान का, और एक खास गाना आपको तो याद ही रह जाएगा, वो गाना है सैया। तो चाहे आप बात करिए कहानी की, चाहे बात अभिनय की, चाहे बात निर्देशन की, एडिटिंग की, हर पैमाने पे ये सीरीज बहुत ही अच्छी है। बस दो चीज़ें हैं
कि इसमें थोड़ी गाली गलौज भी है और थोड़े इंटीमेट सीन्स भी हैं, तो ये सीरीज बच्चों के लिए तो नहीं है। द चार्जशीट के बारे में आज इतनी ही चर्चा, आगे किसी और सीरीज, किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।